What's up guys, welcome back to the movie syndication. Door number one movie के हम next scene पर react करने वाले हैं. Last में देखा था कि जाधव को अकेला लेके गया वो बंदा. Blast वगैरह जो अरे तू वो देखना पूरे कह रहा शहर में फील्डिंग बिछा दो पकड़ो उनके बंदे. उन्हीं का बंदा दिमाग लगा के पहले कंट्रोलर के हाल नहीं जा रहा था. जादू ने कहा हमसे पंगे लो क्या. सूर्य ने मारी एंट्री और फिर उसके बाद का तो तोड़ दिया सब. पिछला पार्ट गवाह है क्या हुआ था उसके अंदर. तो आगे देखते हैं स्टोरी किस तरह से कंटिन्यू होती है और उनका बंदा पकड़ लिया शायद से. अब उससे इन्फॉर्मेशन निकाल जाएगी. अब दारू पी के जा रहे हैं मिशन पे करें शुरू. ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में. चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब और थ्री एंड लेट्स गो. तेरे आदमी कहाँ है? मुझे नहीं पता. तेरे आदमी का ही फोन है. ज्यादा फोन अटेंड कर. अब बता बम कहाँ प्लांट किया है. जान प्यारी है तो बता. नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा. कहो. जान ही प्यारी तू है ऐसे नहीं बताएगा. ऑफ में सीधा बकना शुरू कर. बताता हूँ. क्यों हिला प्लांट किया क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन जिन लोगों ने प्लांट किया है वो गोल्डन आई डिस्को में मिले. भाई चलो वहीं चलते. जल्दी मत करो. डिस्को थेक में बहुत पब्लिक भरी रहती है, उनको खुश नहीं होना चाहिए. 6 बजने में अभी 1 घंटा बाकी है. डिस्को में कोई भी मोबाइल फोन नहीं बजना चाहिए. सबके स्विच ऑफ करवा दो, बाकी बाद में बताऊंगा. मोबाइल फोन नहीं बजना चाहिए क्योंकि जिस नंबर से फोन आया था अभी उसी बंदे को या फोन करेंगे तो उसे घंटी बज जाएगी, पता लग जाएगा कौन है. 5 मिनट का टाइम दे दो उन दोनों को. ऐसा कुछ प्लान कर रहा है मेरे साथ से. 5 मिनट का टाइम दे दो उन दोनों को. देखते हैं कुछ तो होने वाला है. हेलो आप सबके लिए बैड न्यूज़ है. हमारे शहर में जिसने बॉम्ब प्लांट किए हैं उस फिरोज ग्रुप के 2 आदमी यहां मौजूद हैं. आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सूर्य भाई यहां मौजूद है. सूर्य भाई आ चुके हैं फुल स्वैग. अब लोग थोड़े रिलैक्स. वो दोनों भी ये सुन ले, वो यहाँ से निकल नहीं सकते. होटल को चारों तरफ से हमारे आदमियों ने घेर लिया है, इसलिए उन दोनों को अब उन 5 मिनट का टाइम देता है. 5 मिनट के अंदर दोनों सरेंडर कर दो. अब जबकि हमारे पास 5 मिनट हैं, तो क्यों ना थोड़ी सी ऐश कर ली जाए. क्यों दोस्तों ऐश कैसे हुई? ये क्या सब डल पड़ गए? सूर्य भाई के होते हैं सिर्फ ऐश होती है ऐश. क्यों भाई सही कहा ना. नाच रहे नाच गाना. Stop it! थोड़े से अब उनके सूर्य भाई ने दिया हुआ टाइम खत्म हो गया. तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की. सीधी तरह से बाहर आ जाओ. कोई भी नहीं आ रहा. आ गए. आराम से आ गया. एक आ गया दूसरा नहीं गया. दूसरा नहीं आया ना. या तो कुछ प्लान करके आए बम बम तो लगा रहा है इसने. कुछ ना कुछ प्लान करके आया इसके पास. झोल तो है पक्का. एक निकल आ गया तो दूसरा कहाँ है रे. वे तो अपना तकरी मचवा देना उसने. ले भाई ले ले बंदूक ले ले वापस. गलती हो गई है मेरे से. गलती हो गई बहुत बड़ी. 4:00 बजने अब की बार तो इसमें तो पक्का. देख डर 5 मिनट बोला खुद ही आ गया. एक आया था दूसरा मैटर जुड़ था. यहाँ पर बम है सब लोग बाहर निकल जाओ. एए, अच्छा। बम कहाँ है बोल. ज्यादा बोल कहाँ रखा है वरना तेरी तो बता दूँ. वहाँ पर चल उधर चल. देखा कहाँ है. अबे घुमा के लगा रहा था. अंदर भी लगा है या बाहर लगा है. मुझे नहीं रॉबिन को आता है. मूव. अब तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा क्या. नहीं करेगा तो खुद भी जाएगा यहीं पर ही. ना देगा क्या. कर देगा वो खुद भी. तुक्का मार रहा मुझे लग रहा है. इनका प्लान फ्लॉप होता जा रहा है. इनका तो प्लान चौपट होते जा रहे हैं. रॉबिन कहाँ हो तुम.
कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा हूँ, हाँ? बॉम्ब क्यों नहीं फटा? बताओ। बाहर हो? वो भी आ गया ना? यहीं पर ही भाई के भी सो जाएंगे यहाँ पर। वो साथ में सो रहे आ रहे हैं, सारे लोग आ रहे होंगे पक्का। यहाँ क्यों आए हो तुम लोग? हाँ। इस वक्त तुम दोनों को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होना चाहिए था ना? फिर यहाँ क्या करने आए हो? मैं तुम लोगों से कुछ पूछ रहा हूँ, बोलो। और तेज़ चिल्लाके पूछो। अत्याचार करता ना, सारे निपटेंगे। फिरोज भी और फिर उसके सारे बंदे। क्या बात है, बोलते हैं 2 घंटे में खुद घुटनों के बल आएगा मेरे पास। तुझे मारने वाला मिल गया, अच्छा है, मर गया। यहाँ लाकर उसे है ना, तेरी आंखों मर गया था इसका बेटा, जान से मारूंगा उसका। लग चल, अबे आगे जादव खुद ही आ गया। ये तो वो है जादव, आए खुद जानबूझ के कर रहा है। कितने सालों से इंतजार कर रहा हूँ तेरा, अब जाकर तू मेरे हाथ में आया है। जा बुला, बुला अपने भाई सूर्या को। जानबूझ के ऐसे खोल के क्या देख रहा है, बुला उसे। इलाज तो होगा इसका भी तगड़ा ही। कैसे कह रहा, चिल्ला रहा था। इन्होंने सबसे वो निकलवा लिया ना पता, सब ये मिल गया ना उसके साथ, फिरोज के साथ मिला हुआ है। धमाका मेरे साथ, हमारे देश को बर्बाद करना चाहता है ये जानते हुए भी तूने उसका साथ दिया। बस वो तो पाकिस्तानी है, मगर तू तो इसी देश का है, तुझे माफ नहीं कर सकता। शर्म यही है, इसके लड़के को तूने ही मारा था ना, इसे भी तू ही मार। अब इस देशद्रोही को भी तू ही मार, मर्डर। शर्म नहीं आई तुझे देश का गद्दार? कितने अकड़ में बोला था, बुला अपने भाई को। इतना ही था बस। पर कैसे बोल रहा था, आप बस मुझे ज्यादा दे दो। कितना कॉन्फिडेंट दिखाया था इसने, कॉन्फिडेंस दिखाया था। हमारे शहर में एक अनजान जगह पर बॉम्ब रखा हुआ था और कहा जाता है कि कुछ अनजान लोगों की लाशें भी उस जगह पर मिली हैं। उनके पास से मिले सबूतों से पता चलता है कि वो लोग पाकिस्तानी डॉन फिरोज के आदमी हैं। इस वजह से पुलिस विभाग में भी चिंता का कारण बना हुआ है। हेलो फिरोज, इवनिंग टीवी न्यूज देखी क्या? तूने मुझे 2 घंटे का टाइम दिया था, अभी तो आधा घंटा बाकी है। जिस जगह पर तूने मेरे आदमियों को मारा था, ठीक उसी जगह पर तेरे आदमियों की लाशें पड़ी हैं। क्यों? शॉक हो गए क्या? ज़्यादा शॉक मत होना। क्योंकि असल शॉकिंग न्यूज़ ये है कि दुर्रानी मेरे पास है और अब वो मेरा आदमी बन चुका है। इसका जो मेन बंदा है, सच्चाई बता। नहीं सूर्य, नहीं, मुझे तुमसे अभी मिलना है। मिलने मिलाने का वक्त तो अब खत्म हो चुका फिरोज। मेरे मना करने के बावजूद भी तूने मेरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने का ख्वाब देखना अभी भी नहीं छोड़ा। हिल गया फिर तेरा खेल पड़ा है। बाय। बोला ना आधा घंटा। अरे ज्यादा पार्टी कर रहा है भाई। लोग आप उन यहाँ पार्टी मना रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने सूर्या भाई को मत बताना। हा? और मालूम सूर्या भाई सचमुच ग्रेट है। उस फिरोज की तो चड्डी गीली कर दी। उसने 2 घंटे का टाइम दिया था, भाई ने 1.5 घंटे में उसका काम तमाम कर दिया। अब ये सूर्या भाई के नाम से। Cheers! Cheers! सुनो, भाई ने पूछा तो बोलने का नहीं पिया। ठीक है, पियो पियो पियो। सब अच्छे मूड में, कौन रो रहा है भाई? आप उनके काम में साउंड कहाँ से? दारू तो जल्दी चढ़ गई। पियो रे पियो पियो। कोई लड़की है? अच्छा, क्या आवाज कहाँ से आ रही है? कोई लड़की है? वो होगी जिससे शादी नहीं करता। निकलो यहाँ से, निकलो। नहीं नहीं ये तो भाभी, Why are you crying? अरे रे, तुम तो सचमुच रो रही हो। अपुन को लगा मजाक कर रही हो। क्यों रो रही हो भाभी? कल दुरानी को कोर्ट लेकर जाते वक्त अगर तुम्हारे सूर्या भाई को कुछ हो गया तो इसी बात का डर है। सूर्या भाई को? सूर्या भाई को कोई कुछ नहीं कर सकता। भाभी आंसू पोंछ लो। अपुन बोल रहे हैं ना, आंसू पोंछ लो। लेकिन उसे कोर्ट क्यों लेके जा रहे हैं? आप दोनों जाकर कुछ रोमांस पेश कर रहे हो ना। जाओ जाओ जाओ। सूर्या बहुत टेंशन में होगा ना? टेंशन में तो तुम दिखती हो। भाई का टेंशन दूर करने का आइडिया मैं बोलता हूँ। इधर आओ। समझी? मैं कर पाऊंगी। बिल्कुल, जाओ। और जब
तुम और सूर्या भाई रोमांस करेंगे ना, तब आप उन अपने लवर को जाके मिल के आएगा। तुम यहाँ मैनेज करना। अच्छा, अच्छा, कोई टाइम चाहिए? ठीक है, कर लेंगे। हंसो, चलो चलो, क्या चले गए? नेक्स्ट सीन में इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या कुछ, मतलब किस तरीके से अब फिरोज आगे क्या प्लानिंग करता है। मेरे हिसाब से फिरोज आएगा, मीटिंग करने की कोशिश करेगा, या फिर वो अब भी चाल खेलेगा, कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। ट्विस्ट तो अभी आएगा, क्योंकि मान थोड़ी सकता है फिरोज यार, फिरोज की फितरत में ही है धोखाधड़ी। तो इस टाइम यहाँ पर हर एक बंदा उसका पकड़ा फिरोज का, और सबकी रेल बना दी। पहले तो उनसे बम खुलवाए, एक से उससे डिस्पोज करवाया, ठीक है, डिसमेंटल करवाया बम को, और उसके बाद जो उनका जो था गोडाउन में जो बैठा था उसका राइट हैंड दुर्रानी, उसको पकड़ा। और फिर जैसे वो पता दिया ना कहाँ पर है, उनको तो कोर्ट को लेके जा रहे हैं, पेश कर रहा होगा ना, कानूनी कार्रवाई। मेरे साथ तो पेश नहीं करेगा, हाँ, क्योंकि वो तो वैसे भी पाकिस्तान का वो एडॉन है, उड़ाई देते, कर देते कौन से यहाँ के कानून मान रहा है। देखते हैं अभी क्या होता है नेक्स्ट सीन में। और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से अभी पोल खुलती जा रही है फिरोज की, नहीं और वो भी नहीं मट गया, अच्छा हुआ, स्क्रू ढीले होते जा रहे सारे, वो जो बुढ़ा था। हाँ, क्या कह रहा, जा बुला अपने अपने भाई को। मैं बोल रही थी ना, जिस हिसाब से वो आके गिरा, वो जानबूझ के आया, उसे लगा हुआ कि वो लेके आए, मतलब कि इतना एटीट्यूड था। और उसको ये भी नहीं पता कि उसके बंदे लाए भी हैं, उसको ज्यादा उसे लगा कि इसी के बंदे लाए होंगे, जादव से निपटवा दिया। और नेक्स्ट सीन में मेरे हिसाब से मजा आएगा, और कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हो सकते हैं। बाकी इसके बाद हमें कौन सी मूवी रेट करें जरूर बताना। सर, सत्यमूर्ति 2 के बारे में क्या ख्याल है रामपोतने ने, क्या ख्याल है तो कमेंट करके बता देना। बाकी जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मूवी सीन्स वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर।